बीते कई दिनों से लापता विमान AN-32 के बारे में अभी तक कोई जानकारी और कोई सुराग नहीं मिल सका है, लेकिन ऐसे में देश की तरफ से अलग अलग समय पर उस विमान को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। और इस बीच गोहाना के कोहला गांव के रहने वाले पंकज सांगवान, जो कि एयरफोर्स की ट्रांसपोर्ट विमान AN-32 में सवार थे, इनके परिजनों ने अब सरकार से जल्द विमान को खोजने की मांग की है। और इसी के साथ परिजनों ने सरकार द्वारा सूचना देने वालों को 5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा भी सही उसको बताया है। वहीं पंकज की मां ने सरकार से अपने बेटे की जल्द से जल्द तलाश कर उसे सही सलामत लौटने की मांग की है। आपको बता दें कि विमान AN-32 अरुणाचल प्रदेश में मेचुका एयरफील्ड में 3 जून को लापता हुआ था, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। आज तक से कोई नहीं था, 7 दिन हो गए, 3 तारीख की एक कहानी है, 9 तारीख को 6 मार्च वाला फोन आ रहा, 3 तारीख को उसने ये घटना बताई, वैसे हो गए। और उसके बाद हम करते रहे, तुम जवाब भी दिया, वह खोज जा रही है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहा था। और जो नई तरफ से सुविधा आ रही थी वो आज वापसी चली गई है, और हमारा प्रीता कोच चाहिए आप भी, उसके बाद आज भी फोन आ रहा सोच जा रही है, लेकिन आपका कोई कुछ नहीं है, और आपका यहाँ आने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई बात होगी हम आपको जरूर सोचना चाहिए। सरकार ने अच्छा ही सोच कर उठाया, और जी इस बारे से कोई बता दे वहाँ के ग्रामीण